तो हेलो गाइस, रील बनाने के लिए लकड़ी लेके आए हैं पानी में से। हेलो गाइस, कैसे हो? तो हम आ गए हैं हमारे यहाँ के सबसे बड़ा तालाब में। आप देख सकते हो, मैं अभी दिखाता हूँ। ये रहा, हमने सोचा था कि 2-3 दिन से बहुत बारिश हुई है तो आज पूरा भर गया होगा, तो इधर आए हैं। इतना भी नहीं भरा है, थोड़ा बहुत भरा है। बंदा बहुत दूर से आया है इधर तालाब देखने के लिए। देख सकते हो आप, ये हमारे इधर के सब बच्चे पार्टी बहुत दूर दूर से तालाब देखने आए हैं और मच्छी मारने आए हैं। देख सकते हो, काश मैं इधर से गिर जाऊं तो क्या होगा, पर मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि मैं आपको तालाब दिखाने आया हूं। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम इस बारिश से भीगने के लिए छाता लेके आए, इम्पोर्टेंट छाता है। देखो ये पूरा फूल गया, अब फिर से डालना पड़ता है दोस्तों। अब भी हमसे खोलता हूँ मैं, इसे खुलता दिखाता हूँ। वो साथ में आएगा दोस्तों, ये हमको छाता खोलना नहीं आता है, आज पहली बार खोला है। ये छाते में बहुत बड़ी खासियत ये है कि इसे खोल देते हम बारिश में भीगेंगे नहीं। दोस्तों अभी मैं छाता बंद कर रहा हूँ, जैसे बहुत ज्यादा हवा चल रही है। तो आ गए हैं तालाब पे, देख सकते हैं 2-3 दिन बारिश हुई तो इतना भर गया है। और ये हमारे इधर के बच्चे मच्छी मारने आए हैं, तो इसको मच्छी नहीं दिख रही है पर मारने आए हैं। ये बहुत बड़ी मच्छी मारेगा। मच्छी ढूंढ, ये नई स्टाइल है मच्छी मारने की लोगों की। ओ, ये सब चुतिया बना था है। इसको काजबा मिला है। बहुत बड़े बड़े लवरिया है सब लोग, बात करना मौका नहीं मिलता इसलिए बात करने के लिए इधर तालाब पे आ जाते हैं। देख सकते हो वाला तालाब बहुत गहरा है दोस्तों, इधर कभी भी पानी खत्म नहीं होता है, जिसके इधर नीचे से जा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं रील बनाने के लिए, तो ये वाली रील मैं अपने ब्लॉग में भी डाल दूंगा, तो देखना बहुत अच्छे रील बना रहे हैं हम तालाब पे आके। तो हेलो गाइस, रील बनाने के लिए लकड़ी लेके आए हैं पानी में से, बहुत भारी है। इस बंदों ने बहुत मेहनत की है रील बनाने के लिए, और बहुत बड़ा लकड़ा है ये, तो लकड़ी नहीं है, लकड़ा है ये तो जिसे मैं मेहनत कर रहे हैं लोग, और मेहनत करो दोस्तों, धक्का मारो।